महाभारत 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 की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 फिर आई मैं हस्तिनापुर में और सारी बतलाई तब गंगा पुत्र भीष्म ने मैं शाल्व देश भिजवाई वो बोला मैं हारी हुई को अपना ना पाऊंगा मैं राजा हूँ तुम संग ना विवाह रचा पाऊंगा मैं वापिस आई भीष्म से चाही शादी रचानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो कहा फिर भीष्म से मुझसे विवाह रचाओ अगर विवाह न रचा सको जो किया अपमान लुटाओ मैं कहीं की भी न रही मैं कहाँ जाऊंगी काशी में वापिस जाके पिता की नाक न कटवाऊंगी बोला मैं शादी नहीं करूं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 मैंने पैर पकड़ के अपना कसूर पूछना चाहा मैं अबला अकेली थी कुछ भी समझ ना आया मैंने श्राप दिया भीष्म को तुझको मृत्यु दिलवाऊंगा चाहे सो जन्म लेने पड़े मुझे कहा जो करके दिखाऊंगा तब से मैंने भीष्म को मारने की है ठानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज बदला लेने की सोच के वन में मैं चली आई वहाँ बैठे थे ऋषि मुनि मैंने उनको सब बतलाए उसने कहा तू पुत्री है काशी में फिर से जाओ मैंने कहा मैं ना जाऊंगी मार्ग और बताओ
फिर आए एक और मुनिवर मेरे मन की जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। उसने कहा बस एक ऋषि वर तुझको न्याय दिलाएगा। भीष्म के आगे कोई और ना पल भर टिक पाएगा। फिर अम्बा को कहा तुम परशुराम के पास जाओ। तेरे संग क्या हुआ है जाके ये बतलाओ। फिर आए सामने परशुराम वो थे अंतर्यामी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। परशुराम को फिर अम्बा ने सारी बात बताई। परशुराम से अम्बा ने दंड दिलाने चाहे। परशुराम कहे गलत किया जो तेरा हरण कर लाया। हरण करके विवाह रचाना क्षेत्रीय धर्म बताया। बोला पुत्री चिंता मत कर उसे पड़ेगी शादी रचानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी। क्रोधित हो गए परशुराम भीष्म को संदेशा भिजवाया। भीष्म गुरु की आज्ञा समझ कर दौड़ा दौड़ा आया। परशुराम ने कहा तुम अम्बा से विवाह रचाओ। इसका अपमान क्यों हुआ मुझको जरा बतलाओ। भीष्म कहे प्रतिज्ञा की मैंने विवाह नहीं करवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। परशुराम को गुस्सा आया बोला ये बतलाओ। या तो विवाह करो या फिर मुझसे युद्ध रचाओ। परशुराम ने भीष्म को फिर युद्ध के लिए ललकारा। कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा देखेगा जग सारा। फिर गंगा पुत्र भीष्म ने गुरु की आज्ञा मानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। भीष्म कहे गुरुवर आपने सब क्षत्रियों को हराया। पर मैं उन जैसा नहीं अब देवव्रत है आया। परशुराम ने कहा अगर शिष्य कुछ बुरा करके दिखलाए तो उसके गुरु को चाहिए उसको सबक सिखाए।
को कैसे आए युद्ध दिखलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 भीष्म और परशुराम फिर आपस में टकराए। भीष्म ने कहा मैं रथ पे हूँ, आप भी रथ पे आए। भूमि रथ वेद अश्व पवन सारथी बतलाया। गायत्री सावित्री और सरस्वती अपना कवच बताया। ऋषि मुनि और अम्बा देखे दोनों की तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। फिर आज्ञा पाके गुरुवर की भीष्म ने शंख बजाया। कभी गुरु ने कभी शिष्य ने अपना लोहा मनवाया। समय बीतता जा रहा कोई भी हार ना पाया। लहू लुहान हो गए दोनों कोई ना घबराया। कभी भीष्म कभी परशुराम चाहे बाजी जीत दिखानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। भीष्म थे जवान परशुराम बूढ़े हो आए। परशुराम हैरान हुए जब भीष्म ने तीर चलाए। खुश हुए परशुराम जब भीष्म ने हराया। हार के भी अपने शिष्य को आशीर्वाद देना चाहा। बोला गर्व है तुम पे भीष्म जो तूने हराने की ठानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 परशुराम ने कहा भीष्म अब मेरा वध कर जाओ। मैं कभी पीछे न हटा हूँ या तुम पीछे हट जाओ। भीष्म ने आज्ञा मानी और पीछे हटना चाहा। अम्बा सोचे परशुराम भी इसको दंड ना दे पाया। बोली मैं इसको दंड दूंगी इसे कीमत पड़ेगी चुकानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। शिखंडी कहे मैंने ऐसी तपस्या करके दिखाई। आधा शरीर अम्बा नदी बना आधा अंग ये समझाई। फिर बताया वत्स्य देश की कन्या बन जन्म पाया। मैंने तो भीष्म को मारना था और कुछ भी समझ ना आया।
मैंने फिर से घोर तपस्या की, पड़ी महादेव को आनी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महादेव से फिर मैंने वरदान ये पाया, भीष्म की मृत्यु का कारण अपने आप को बतलाया। पांचाली तुम जन्मे अग्नि से, मैं जन्म लेके आया। मेरा जन्म महादेव ने इसी कारण है करवाया। कहा तुम कन्या हो के भी योद्धा बनोगे बलवानी। चलो सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। शिखंडी कहे अब वो दिन आया जिसका था मुझे इंतजार। कई जन्म लेने पड़े पर फल मिल गया है अब की बार। बोली अब आमने सामने युद्ध करके दिखलाऊंगी। उस महायोद्धा से अपने मैं अपमान का बदला चुकाऊंगी। उसे बड़ी महंगी पड़ेगी अम्बा की अपमानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। भीष्म चिंता में बैठे थे, द्वारपाल वहाँ आया। आचार्य द्रोण मिलना चाहते हैं, उनको ये बतलाया। भीष्म कहे लगता है आचार्य आपको नींद नहीं आए। द्रोण कहे ऐसी हालत में कौन यहाँ पे सो पाए। जो भी भला चाहे हस्तिनापुर का, उसको चैन कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। द्रोण कहे पल भर में जब भी पलक झपकाऊं, छोटे छोटे पांडवों को आश्रम में खड़ा पाऊं। पूछे शिष्य गुरुवर क्या आप हमसे युद्ध दिखलाएंगे। और कहे गुरुवर हम पे कैसे शस्त्र चलाएंगे। कैसा समय आया अपनों पे पड़ेगी तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। भीष्म ने कहा यही चिंता मुझको बड़ा सताए। जिनको गोद खिलाया भला उनसे ही युद्ध रचाए। हे भगवान इतना बुरा दिन कभी ना देखना चाहा। मृत्यु से पहले हे भगवान कैसा समय है आया।
कभी भीष्म और कभी द्रोण ने चाही पीड़ा बतलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। भीष्म कहे भाग्यशाली हूँ मुझ पे अर्जुन तीर चलाएगा। कितना बड़ा हो गया जो हमसे युद्ध दिखाएगा। द्रोण ने उसकी परीक्षा इस युद्ध को बतलाई। उसके तीरों के घाव बताएंगे कैसी शिक्षा पाए। गुरु और शिष्य युद्ध करेंगे देखूंगा तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी।